गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं फिर से शालमी बुग्याल, और क्लाइंट हैं साथ में, वो लोग देवरिया ताल से ट्रैक करते हुए रोहिणी बुग्याल से होते हुए शालमी बुग्याल आ रहे हैं, और हम लोग यहाँ से सामान लेके शालमी बुग्याल जा रहे हैं, और मैं गुड्डू भैया और प्रबल भैया जा रहे हैं यहाँ से, और उनके साथ गाइड है ये। तो दिखाता हूँ भाई आपको पूरा रास्ता आज, और पहले भी गए हम लोग शालमी का ब्लॉग तो पहले भी आपको आप लोगों ने देखा होगा। आज फिर से शालमी जा रहे हैं, पर आज मौसम ज़्यादा अच्छा है और उस दिन थोड़ा लेट हो गए थे, आज थोड़ा जल्दी जाएंगे और सनसेट और सुबह का सनराइज़ आपको दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। और खच्चर में भाई सामान अपना पैक हो गया सारा, और मौसम देखो भाई कितना प्यारा मौसम है, और ये उसाड़ा गांव का व्यू यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू है भाई। आधा किलोमीटर लगभग हो गया है भाई ट्रैक अभी, और धूप काफी तेज है और स्पीड भी काफी तेज है, एकदम खच्चर की स्पीड से चलना पड़ रहा है भाई। तो भाई खच्चर तो बहुत ही तेज भाग रही है, और धीरे धीरे हम भी चल रहे हैं, तो धूप की वजह से ना चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पसीना पसीना हो रहा है एकदम। और मौसम तो काफ़ी दिनों के बाद इतनी तेज़ धूप आई है, नहीं तो क्या था कि धूप तो आ रही थी, सुबह धूप हो रही है शाम को एकदम बारिश। और व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, ये व्यू देखो भाई, ये पूरा केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, और जंगल कितना घना जंगल है भाई, और काफ़ी पेड़ों में तो ग्रीनरी होना शुरू हो गई है, और कुछ अभी थोड़ा डल है, ब्रॉन्स भी लगा है बीच बीच में। और ये रास्ता है भाई शालमी का, रास्ता है उतना भी बढ़िया रास्ता नहीं है, पत्थर पत्थर हो रहे हैं, चलिए मिलते हैं आगे। तो भाई काफी दूर चलने के बाद तपती गर्मी में पहाड़ों का शुद्ध मीठा पानी, पानी बिन चैन कहाँ रे। बहुत ही मीठा पानी है भाई, ठंडा। अब चलते हैं आगे थोड़ा, और ऑलमोस्ट हम पहुंच ही चुके हैं अभी, बिल्कुल आधा आधा किलोमीटर लगभग और बचा होगा यहाँ से आगे का, और गर्मी में हालत ख़राब हो गई है भाई, और आज आए भी काफ़ी तेज़ हैं, खच्चर के साथ साथ चलना था तो एकदम भागते हुए चल रहे हैं भाई। और व्यू दिखाता हूँ आपको आगे, बस अब पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी देर जंगल के रास्ते चलने के बाद पहुँचे हैं अभी शालमी बुग्याल, और इतने अच्छा व्यू है भाई, बादल, नीला आसमान, और हरे भरे पेड़ के बीचों बीच ये बुग्याल, और वो आगे जा रहे हैं गुड्डू भैया खच्चरों के साथ साथ, मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में। चलते हैं अब इनके साथ साथ, पहुँच चुके हैं अभी क्योंकि हम तो शालमी पहुँच गए हैं भाई, और
गुड्डू भैया बहुत तेज तेज भगा के लेके आए आज भैया आप। अरे भाई आज खच्चर भी लंबे चौड़े थे। हाँ तो भाई चंद्रशिला डेली स्नोफॉल की वजह से एकदम सफेद हो रहा है। ये पूरा व्यू है। ये चल रही है भाई कुड़की की निदाई। ये जड़ी बूटी है, मेडिसिनल यूज के लिए लगाई रहती है यहाँ पे, और गवर्नमेंट लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उनको ये बेचते हैं फिर। और ये इनकी मड हाउस शालमी का। पहुंच चुके हैं भाई, अब बनेगा चूल्हे पे चौंसा और भात बना हुआ है। आते ही जुट गए हैं भैया तैयारियों में। निकालो निकालो कोठरी से सारा धन निकाल दो आज, सोना चांदी। अरे सोना चांदी क्या होगा यार, पहले से ही रखा है यहाँ। हाँ बस तो ये है भाई इंडिया हाइक्स के कैंप, और सामने चंद्रशिला तुंगनाथ महादेव, और व्यू देखो भाई, ये पूरा शालमी बुग्याल नीचे। टेंट के लिए जगह बना रहे हैं भाई, अभी खुदाई चल रही है, पहले प्लेन कर रहे हैं इसको फिर लगाएंगे टेंट। ये रहा टेंट हमारा। पंजाबी तड़का मैगी, सनसेट होना शुरू हो गया है इधर से भाई, बहुत ही बढ़िया व्यू है एकदम। तो अब बन रही है भाई अपनी हरी सब्जी, और हेड कुक योगेंद्र बजवाल जी और सीनियर शेफ प्रबल बजवाल जी करछी एकदम घुमाते हुए। बाकी बाहर का व्यू पूरा, ये बोनफायर चल रही है भाई की, कैंपिंग नाइट हो रही है उधर, और ये पूरा व्यू है भाई। एक परिवार में अच्छा, और ये परंपरा ये उत्तराखंड का क्या है, ये मेन देवभूमि का सर, देव का महादेव, देव का महादेव का शिव जी का गण है ये सारे। अच्छा उनके गण है ये हमारे उत्तराखंड में, ये देवभूमि चलते है, उसके नाम से गाया जाता है। अच्छा भाषाएं अलग अलग होती है, कोई समझता है कोई नहीं समझता है। जैसे हम गढ़वाली लोग हैं, हम गढ़वाली लोग इस बात को समझते हैं,
आप नहीं समझ पाए, आप नहीं समझ पाए, ये हमारे उत्तराखंड का ये है। मैंने सारे देव देवताओं के नाम लिए पूजा होती है, परंपरा पूजा होती है सारे। मैंने देव की मैंने अगर आप आपका से यहाँ रखेंगे दूर से आपके लिए मैंने बहुत मजा रहते हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मौसम देखो गाइस, आज ये पूरा व्यू है यहाँ से। अभी नाश्ता हो चुका है हम लोगों का और महेश भाई तो निकल गए हैं ट्रैक पे और यहाँ से वो लोग सीधा बनियाकुंड जाएंगे और हम लोग वापस यहाँ से ताला जाएंगे और अभी क्लोजिंग करेंगे सारा यहाँ पे और उसके बाद फिर चलेंगे नीचे। सुबह मौसम थोड़ा पैक लग रहा था लेकिन अभी धीरे धीरे मौसम खुल रहा है, थोड़ी धूप भी आ रही है और व्यू तो प्यारा है ही है यहाँ से। ये व्यू है पूरा यहाँ से भाई, हिमालयन पीक्स दिख रहे हैं पीछे। और ये कैंप था भाई लोगों का यहाँ पे। भाई क्लोजिंग करके अभी मैं और प्रबल भैया चले हैं वापस ताला की तरफ और जल्दी आएंगे दोबारा। व्यू देखो गाइस कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से, पूरा एरिया बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और ये सामने गांव साड़ा गांव। मन कर रहा है यहीं टेंट लगा के यहीं आज की रात का और सामने चंद्रशिला। ये तो अब वीडियो को भाई एंड करते हैं यहीं पे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में।